So guys, कौन सा बेस्ट टाइम है आईफोन को बाय करने का और कौन सा टाइम है कि आप लोगों को आईफोन बाय नहीं करना चाहिए और guys, किस आईफोन को आप लोगों को बाय करना चाहिए। क्यों guys, हमने ऐसा भी समय देखा है जहां आईफोन 13 आप लोगों को 47-48,000 में देखने को मिला और वहीं आईफोन 14 आप लोगों को 60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और guys, कैसे आप लोग आईफोन 14 प्रो को 90 या 95,000 ले सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को किस टाइम पे आईफोन को नहीं बाय करने चाहिए, वो guys सेकंड हैंड या फिर गाइस आप लोगों को न्यू लेना हो। तो गाइस आप लोगों को जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में आप लोगों को कोई भी आईफोन्स नहीं बाय करना चाहिए। क्यों गाइस, आप लोगों को सितंबर के मंथ में एप्पल का इवेंट देखने को मिलता है जहां गाइस आप लोगों को न्यू आईफोन्स लॉन्च होते हुए देखते हैं और जो पुराने आईफोन्स होते हैं उनकी प्राइसिंग में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोगों को इन सभी मंथ में आप लोगों को आईफोन्स को नहीं बाय करना चाहिए। और गाइस कौन से आईफोन को बाय करना चाहिए, तो गाइस अभी के डेट में आप लोगों को बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही आईफोन 11, ना ही आईफोन 10, ना ही आईफोन XS और ना ही आईफोन 12 गाइस। तो गाइस अगर आप लोग अभी आईफोन लेने का मन बना रहे हो गाइस आप लोग आईफोन 13 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 13 का प्राइसिंग आप लोगों को ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस अगर आप लोग आईफोन 14 या 14 प्लस को बाय करने की सोच रहे हो तो गाइस एक बार आप लोग सोचना कि आईफोन 13 प्रो के बारे में, क्योंकि इसमें आप लोगों को ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है और वहीं गाइस आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो गाइस आप लोगों को आईफोन 13 प्रो मार्केट में आराम से 70-80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा इजीली आप लोगों को सेकंड हैंड मार्केट में आईफोन 13 प्रो। वहीं गाइस अगर आप लोग ग्लोबल आईफोन 13 प्रो का जुगाड़ कर सकते हो तो गाइस आराम से आप लोग को इसी प्राइसिंग में न्यू आईफोन 13 प्रो मिल सकता है। तो गाइस वही बात करते हैं आईफोन 14 प्रो के बारे में। तो गाइस आईफोन 14 प्रो का इंडिया में प्राइसिंग देखने को मिल रहा है 130,000 के आसपास। लेकिन गाइस अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट से आईफोन 13 प्रो को बाय कर सकते हो, लाइक अगर दुबई हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, वहां का आईफोन अगर आप लोग जुगाड़ कर सकते हो या आपके कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त यार अगर उस जगह पर रहता हो या फिर घूमने वगैरह गया हो, तब गाइस आप लोग वहां से मंगा सकते हो और गाइस आप लोग को इसकी प्राइसिंग 90 या 95,000 या उससे भी कम देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ग्लोबल फोन्स इसलिए आप लोग को सस्ते देखने को मिल जाते हैं, ना ही उस पे आप लोगों को जीएसटी देने पड़ता है, ना ही आप लोगों को कस्टम ड्यूटी वगैरह देना पड़ता है। तो गाइस आप लोगों को इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है और इतना ज्यादा सस्ता देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह है तो उनसे गाइस मंगा सकते हो। लेकिन गाइस आप लोग अगर ग्लोबल आईफोन्स को बाय करते हो, किसी से मंगवाते हो, तो गाइस एक बात का जरूर ध्यान रखना कि उससे गाइस उसका पक्का बिल जरूर मंगवा लेना, क्योंकि अगर आपका आईफोन खराब हो जाए तो गाइस इंडिया के जो सर्विस सेंटर है वो बिल मांगते हैं ग्लोबल आईफोन्स का। तो गाइस अगर आप लोगों के पास बिल होगा इसलिए आपका आईफोन रिपेयर हो जाएगा अगर वो वारंटी में है। तो गाइस आप लोग ग्लोबल आईफोन को बाय करने से पहले ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। और मैं बात करते हैं आईफोन 14 या 14 प्लस के बारे में, तो उसको ग्लोबल से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इंडिया में ही रहकर बाय कर सकते हो। और वहीं गाइस अगर आप लोग पास जीएसटी नंबर है तब भी गाइस आप लोग अपने आईफोन को बाय करने अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। गाइस अगर आप लोग आईफोन 14 प्रो को इंडिया में बाय करते हो और आपके पास जीएसटी नंबर है तो गाइस ऑलमोस्ट आप लोग को 25 से 30,000 रुपए बचा लो, गाइस आप लोग को 18% का जीएसटी क्लेम भी मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग को इंडिया में भी अच्छा खासा प्राइसिंग देखने को मिल सकता है अगर गाइस आप लोग पास जीएसटी नंबर होगा। तो गाइस बस ये थी वीडियो के आप लोग किस टाइम पे आईफोन्स को बाय करना चाहिए, किस टाइम पे आईफोन को नहीं बाय करना चाहिए। और गाइस आप लोग सेकंड हैंड आईफोन को बाय करने का मन बना रहे हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं सेकंड हैंड आईफोन्स में, तो गाइस उसको भी जाके आप लोग वॉच कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।